अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर छह। उचित गुण धर्मों का उपयोग करके, उचित गुण धर्मों का उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो संगे क्या करना है, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन किए वैसे क्वेश्चन इसको करना है, लेकिन इसमें देखेंगे तो संगे दे रखी है, अब गुणा भाग आपको किस हिसाब से करना है वो देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन है इसका, छठा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, 3/5 इंटू माइनस का 3/7 माइनस 3/2 प्लस 3/15 इंटू 5/9। अब इसमें रूल बताया जाए गोडामास नियम, ठीक है। अब इसमें ब्रेक दे रखा नहीं है, डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करना है आपको। तो पहले देखो क्वेश्चन के कट रही तो काट दो, इधर देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होगी, ये दोनों मल्टीप्लाई होगी और ये दोनों आपकी मल्टीप्लाई होगी। अगर कट रही इसलिए काट सकते हो, अगर नहीं कट रही तो मल्टीप्लाई कर दो। इसी कट रही है 5 × 5 5 × 15 हो गए 5 × 5। और कोई कट रही तो काट दो, ये अगर 2 से 2 से काट दो काट दो उसको, ये 2 से 2 कैंसिल। अब क्या बचा, 3/5 इंटू माइनस 3/7 या माइनस का आपका 1/7 माइनस 1/7 इंटू 3, नीचे कुछ नहीं तो 1 प्लस, यहाँ बच गया 3/3, 3/3 से कट जाए क्या बचेगा 1 1/1 इंटू 1/9। अब तो कर दो मल्टीप्लाई, 3 को 3 से करेंगे तो माइनस का 9/5 × 7 35, फिर माइनस का चिन्ह है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, 1 को 3 से करेंगे तो 3 7 को 1 से करेंगे तो 7, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दो, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 1 को 9 से करेंगे तो 9। अब ये आ गया आपकी संख्या। अब आप डायरेक्ट क्या करो, इनका ले लो लेसर पेन, तीनों को ले लो लेसर पेन। आ तीनों को लेसर क्या आएगा देख लो, 35 7 और 9। अब देखो इसमें 2 का नहीं जा रहा है, किसी में 3 का जा रहा है, 7 5 5 3 8 में नहीं जा रहा है, तो 35 के 35 सात में जा रहा है, इसमें जा रहा 3 बार, फिर 3 का 1 बार 7 में जा रहा है और 35 में, फिर 5 का 7 7 1, फिर 7 का 1 बार 1 बार 1 बार। अब कर दो इनको मल्टीप्लाई, 7 5 की 35, 35 × 9, 9 5 की 45, असल के 4 9 6 36 और 4, 9 5 45 5 4 27 4 31 315। अब ले लो इनका लेसर पे, क्या है आपका लेसर पे 315। अब 315 ले लेसर पे, अब आपको सिंपल बात की है, जोड़ बात की आपको। तो अब यार क्या करेंगे, 3 से 5 इसका इसमें भाग देंगे, कितने बार आएगा 35 का भाग दो 315 के अंदर, 315 के अंदर जाएंगे 35 का भाग, तो आपका जाएगा 309 बार, तो भाग जाएगा आपका 9 बार, 9 को गुणा करेंगे माइनस के 9 से, फिर आपका चिन्ह किसका है माइनस का, 7 का भाग दो 315 के अंदर। अब जो 7 का भाग दो 315 में, 7 6 28 7 5 28, 3 7 5 की 35, तो भाग जाएगा आपका 45 बार, 45 गुणा करेंगे हम 3 बार। फिर अगला, अब तो आप 9 का भाग इसके अंदर, 9 का भाग क्यों आ जाएगा, 9 × 3 = 27, बच गए आपके 4 हो गए 5, 9 × 5 = 45, तो भाग जाएगा आपका 35 बार, प्लस 35 × 1। अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं करना, बस इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो, 9 को 9 से करेंगे तो 81, माइनस कर तो -81, माइनस 5 × 15, असल की 3 × 12 = 13, 135, फिर आपका प्लस 35 को 1 करेंगे तो 35। इस प्रकार आप सबको क्या कर लो, प्लस कर लो, ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे और ये प्लस का आपका अलग हो जाएगा, तो डायरेक्ट आ दो ये 135 35 गए, क्या बच गए 100 और 181, तो बचेंगे तो आपके माइनस के 181/315, ये हो जाएगा आपका आंसर। दूसरा, 5/2 5/2 − 3/5 × 7/2 + 3/5 और इंटू आपका माइनस का 2/3,
तीन। इसमें जब इसके इकट्ठे को काट रहा हो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कट रहा है क्या, तीन से तीन कट गए, और कुछ भी कट रहा आपका, तो लिखो पांच बटा दो माइनस तीन बटा पांच इंटू सात बटा दो प्लस, यहाँ कुछ दोनों कट गए क्या, बच गए पांच, तो यहाँ एक बच गया या एक बच गया, एक को दो से करेंगे माइनस का दो, पांच को से करेंगे तो पांच। अब क्या करेंगे, गुणा हो रहा है दोनों को, ये गुणा हो रहा है पांच बटा दो माइनस तीन सात दिया इक्कीस, पांच दुनी दस और माइनस का दो बटा पांच, सुनिए आप कुछ नहीं है, ये रहा प्लस का, ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या होता है आपका, प्लस और माइनस हो जाएगा आपका माइनस। अब रिवर्स का लेसर पे दो पांच दस लेसर आ जाएगा आपका दस, अगर लेके देखो लेसर पे आपका दस आएगा, दो का बार दस में पांच बार, पांच को गुणा करेंगे पांच से माइनस दस का बार दस में एक बार, एक को गुणा करेंगे इक्कीस, पांच का बार दस में दो बार, दो को गुणा करेंगे दो से, पांच इंटू पांच पच्चीस, माइनस का एक इंटू इक्कीस इक्कीस, माइनस का दो इंटू दो चार, नीचे में क्या आपका दस, देखो ये इक्कीस और चार पच्चीस, पच्चीस पच्चीस माइनस प्लस पच्चीस और माइनस का पच्चीस बटा चार, पच्चीस जीरो बटा दस, जीरो बटा दस आपका आंसर, इसका मतलब क्या हो गया आपका जीरो आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर सात, निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम लिखना है। अब योज्य प्रतिलोम क्या होता है वो समझेंगे पहले, योज्य प्रतिलोम ये इस वर्ड को समझना पड़ेगा, योज्य प्रतिलोम मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या का चेंज चेंज करना है आपको, अगर प्लस दे रहा है तो माइनस करना, माइनस दे रहा है तो प्लस करना, और इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें मान लो पहला क्वेश्चन दे रखा आपको सात बटा उन्नीस, अब इसमें आपको एक चीज चेंज करना है, अब सात बटा उन्नीस में क्या करें दोनों प्लस के, तो आपको योज्य प्रतिलोम लिखना है इसका, योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम तो सात क्या हो जाएगा माइनस का सात बटा उन्नीस, यहाँ प्लस का है यहाँ कर देगा माइनस का सात बटा उन्नीस। इसी प्रकार आपका अगला दे रखा है दूसरा कि माइनस का नौ बटा पांच, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा आपका, ये माइनस का है तो जाएगा नौ बटा पांच प्लस का नौ बटा पांच। इसी प्रकार आपका तीसरा क्या हो जाएगा माइनस का तीन बटा सात, तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। अब इसमें देखो दो दो दे रखे चिन्ह आपको, बस आपको एक चीज चेंज करना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का तीन बटा सात, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दो दो आगे चिन्ह, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि माइनस का तीन बटा सात, आप एक चीज चेंज कर दो और बाकी लिख दो माइनस का तीन बटा सात। नेक्स्ट आपका पांच बटा माइनस का नौ, पांच बटा माइनस का नौ, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, योज्य प्रतिलोम हो जाएगा इसका, माइनस का चिन्ह हट जाएगा और पांच बटा नौ। और लास्ट का आपका छठा क्वेश्चन इसका इक्कीस बटा माइनस का इक्कीस, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा आपका, माइनस का चिन्ह दे रखा है तो जाएगा इक्कीस बटा इक्कीस, इक्कीस बटा इक्कीस, बस कुछ चेंज नहीं करना है, बस इसमें सिर्फ मान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर आठ, निम्नलिखित प्रमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। इसका पहला था आपका सातवां क्वेश्चन, यहां क्या होता योज्य प्रतिलोम, अब यह गुणात्मक, योज्य मतलब जोड़, योज्य मतलब जोड़ना, अब अगला गुणा मतलब गुणा करना, पहले था योज्य अगला गुणा, योजन किया क्या आपने चिन्ह चिन्ह किया, और इसमें भी क्या करना है चिन्ह चिन्ह नहीं करना, इसके इसके अंदर संख्या को ऊपर नीचे करना है, चेंज करना, जैसे पहले इसके दिया आपको माइनस का सत्रह, अब इसको लिखना गुणात्मक, गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम, अब इसमें क्या है इसमें सत्रह बटा एक मान लो, अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, अब क्या करना है कुछ नहीं करना, इस संख्या को उल्टा कर देना आपको,
एक बटा माइनस का 17, बस ये आपका आंसर। यो जो पंक्तिलो में क्या करते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं, इसमें चिन्ह चेंज नहीं करना, इसमें क्या करना है, संख्या को उल्टी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस 11 बटा 17 गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा इसका, प्रतिलोम माइनस का 11 बटा 17 को क्या हो जाएगा, 17 बटा माइनस का 11, अब कुछ संख्या चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आपका एक तीसरा क्वेश्चन इसका, माइनस का 1 इंटू माइनस का 3 बटा 5, पहले से गुणा कर दो क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 3 3 बटा 5, अब क्या लिखना आपको, गुणात्मक प्रतिलोम, तो क्या हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम में 5/3। इसी प्रकार आपको लाइन क्वेश्चन करेंगे, कैसे देखो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 19/13 गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा इसका, ऊपर नीचे जाएगी, नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाएगी, इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। 9 प्रमेय संख्या 5/7 को -7/15 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। अब ये क्या होता है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होता है आपका उल्टा करना, किसी भी संख्या उल्टा करेंगे क्या बोलेंगे इसको, उल्टा करना, किसी संख्या को उल्टा करके आप क्या करना है, गुणा करना है। जैसे 5/7 आप गुणा करेंगे इसे, इस संख्या को उल्टा करके, उल्टा करके क्या हो जाएगा, 15/7 15/7 बस गुणा करना है, कुछ नहीं करना है, गुणा कर दो 15 को 5 से और 7 को 7 से, 7 को 7 करेंगे तो 49, 15 को करेंगे तो 15 × 5 = 75, माइनस का 75/49 आपका क्या हो जाएगा आंसर। मेरे खाली जगह भरनी है आपको, पहला इसका, दो प्रमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है। अब प्रमेय संख्या कौन कौन सी होती है, प्रमेय संख्या गुणनफल क्या होगा, जैसे मान लो 3/5 और 2/5, इनका गुणनफल क्या होगा, 3/5 3 × 6 5×5 = 25, क्या ये प्रमेय संख्या नहीं है, ये क्या बोलते हैं, क्या बोलते थे प्रमेय संख्या, प्रमेय संख्या से बोलते हैं, जैसे हम बेटा a/b के रूप में लिख सकते हैं, और बी का मान क्या नहीं हो, हमेशा 0 नहीं हो, बस वो क्या है इसमें, इसमें क्या है आपका आंसर, संख्या लिख देंगे परिमेय संख्या। ठीक इसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन इसका, दूसरी खाली जगह, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, अगर कोई नंबर धनात्मक है, से मान लो 5/7, इसका क्या होगा, धनात्मक कितनी करना, 5/7 का 5/7 ही रहेगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका धनात्मक ही रहेगा। नेक्स्ट, शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा, अगर शून्य का हम उल्टा करते हैं, शून्य का उल्टा क्या होगा, शून्य का उल्टा क्या अनंत होगा, उसका कुछ भी उल्टा नहीं होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, ए निर्धारित, इसका हम निर्धारित नहीं कर सकते, क्या हो जाएगा, ए निर्धारित। ठीक है, फिर आपका प्रमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, प्रमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, अभी बताया मैंने क्या होता है प्रमेय संख्या योज्य प्रतिलोम 0। फिर आपका अगला, परिमेय संख्याओं का गुणात्मक, अब इसमें योज्य मतलब 0 गया और तत्सम, गुणात्मक क्या हो जाएगा 1, तो गुणात्मक हो जाएगा आपका 1। परिमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम उसका, परिमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम उसका क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, मतलब उसका उल्टा होता है, वह नहीं होता है, क्योंकि प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, लेकिन चेंज वही नहीं देगा, इसमें क्या देगा, वह नहीं देगा, क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा। ऋणात्मक परिमेय संख्या रेखा पर सदैव शून्य की ओर होती है, अब ऋणात्मक संख्या क्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या मान लो ये लाइन दे रखी है, अगर पिछले वीडियो देखा होगा आपने लाइन ना क्वेश्चन सॉल्व किया था, ऋणात्मक परिमेय संख्या रेखा पर सदैव शून्य की ओर होती है, किस ओर होती है, ये मान लो शून्य, इधर चलेगा 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, 1, 2, 3, 4, इधर प्लस के, अब देखो इसे क्या बोलते हैं, इधर वाले साइड को लेफ्ट हैंड साइड, इसे बोलेंगे हम राइट हैंड साइड, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, दायां पक्ष, इधर बोलेंगे बाई साइड, बायां पक्ष। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ऋणात्मक परिमेय संख्या रेखा पर सदैव शून्य की ओर होगी, शून्य किस ओर होगी, ये ना शून्य, माइनस वाली किस ओर होगी, इधर की ओर, कौन साइड है ये, अब माइनस की साइड होगी, बाई ओर, क्या होगा इसमें, बाई ओर,
अभी देख लो उसको कि ऋणात्मक परिमेय संख्या रेखा पर सदैव शून्य किस ओर होगी, ऋणात्मक संख्या माइनस किस ओर होगी, शून्य के बाया ओर। नेक्स्ट धनात्मक किस हो जाएगी, उल्टा इसका ये बाया, तो क्या हो जाएगा आपका दाया ओर, दाया पक्ष। ठीक है, किसी परिमेय संख्या में योजी प्रतिलोम को जोड़ने पर, योजी प्रतिलोम को जोड़ने का जोड़ने पर परिणाम प्राप्त होता है। अगर किसी भी योजी प्रतिलोम में जोड़े कुछ वही जोड़े किसी परिमेय संख्या में योजी प्रतिलोम को जोड़ने का जोड़ने परिणाम क्या होगा, वही परिणाम होगा सेम मिलेगा, बच्चे चेंज होगा जीरो नहीं होगा। अगर यहाँ पे चेंज हो सकता है लेकिन इसमें जीरो नहीं होगा, वही परिणाम होगा। अगर हम वो जीरो माइनस नहीं जोड़े क्या होगा, परिणाम वही होगा। जब आप पांच बटा सात है तो क्या हो जाएगा, पांच बटा सात माइनस चेंज होगा। किसी परिमेय संख्या का परिमेय संख्या में उसी परिमेय संख्या का भाग देने पर, किसी परिमेय संख्या में उसी परिमेय संख्या का भाग देने पर क्या परिणाम होता है। जैसे मान लो पांच बटा सात में किसका भाग देंगे, तीन बट पांच बटा सात का, तो क्या हो जाएगा ये गुणा चेंज होगा, पांच बटा सात इंटू सात मान लो चेंज करेंगे। अगर हम क्या करेंगे इसमें इसका ही भाग देंगे, कोई भी संख्या में इसका ऐसे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी पूरी कट जाएगी, इसका बचेगा एक बार। अगर कोई संख्या पांच के बाद पांच में देंगे क्या आएगा एक, तीन का भाग तीन में देंगे क्या होगा एक, तो बस क्या होगा वही वहां पर क्या प्राप्त होगा एक। तीन और जीरो के बीच अगर पांच परिमेय संख्या निकालनी, अब परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, कितनी निकालनी है पांच, तो सबसे पहले क्या करेंगे किन किन के बीच निकालेंगे, माइनस का तीन और जीरो के बीच में, तो ऐसे लिख दें इसको कि इनके बीच में पांच संख्या निकालनी है। अगर मध्य की कोई मध्य या मध्य किसी भी संख्या के बीच में निकालना है तो क्या करेंगे, किसी का मध्य निकालना होता तो क्या करते हैं, जैसे मान दो और चार का मध्य करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे और दो का भाग दे देंगे। सेम ऐसे पहला करते हैं माइनस का तीन प्लस जीरो, दोनों को जोड़ेंगे और दो का भाग देंगे, तीन और जीरो जोड़ने कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का तीन बटा दो नहीं कट रही है तो आपकी पहली संख्या जाएगी माइनस का तीन बटा दो, तो यहाँ लिख देंगे इन दोनों बीच में क्या आई माइनस का तीन बटा दो। इसी प्रकार आगे करेंगे, अब इन दोनों के बीच में निकालेंगे या कुछ नहीं तो मान लो इन दोनों के बीच में, ठीक है तीन दूसरी माइनस तीन प्लस करेंगे माइनस तीन बटा दो, इन दोनों को जोड़ेंगे और दो का भाग देंगे। देखो प्लस माइनस 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 का तीन बटा दो बट्टा में दो, इसके नीचे कुछ नहीं तो वो ले लेंगे। अब कैसे करेंगे इसको, देखो माइनस का तीन और इन दोनों को बट्टे वाले से क्या जोड़, तो पहले बट्टे वाले जोड़ कर लो, लेस से बेल के दो, तो लेस से ले लो इनका दो, नीचे वाला दो को इसके नीचे लिख दो, एक का बार दो में दो बार, दो को तीन से गुणा करेंगे तो दो चिया छः, वो भी माइनस के, माइनस का माइनस, दो को बार दो में एक बार, एक को तीन से करेंगे तो तीन, माइनस छः माइनस तीन कितना हो गया माइनस के नौ बटा दो, माइनस के नौ बटा दो नीचे बट्टा में दो। अब बट्टा इसको नीचे भेजेंगे या ऊपर भेज दो तो किसमें हो जाएगा, इसको नीचे भेज दो तो जाएगा नौ बट्टा दो नीचे दो और ये भी दो नीचे आ गए तो गए माइनस के नौ बटा चार, तो आगे संख्या आ गई आपकी माइनस के नौ बटा चार, इन दोनों के बीच में आई तो यह लिख देंगे माइनस के नौ बटा चार, एक दो इसी प्रकार निकालेंगे तीसरी संख्या। अगले क्या हो गई, आप चाहे इन दोनों बीच निकालो तो इन दोनों बीच निकालो माइनस का तीन बटा दो प्लस करेंगे जीरो और दोनों में क्या देंगे दो का भाग, अब प्लस का जोड़ने को फर्क ही नहीं पड़ेगा तो आ जाएगी माइनस का तीन बटा दो बटा दो, अब ये नीचे दो आएगा तो किसमें जाएगा गुणा में, तो दो इंटू दो माइनस का तीन बटा चार, अगली संख्या क्या हो जाएगी आपकी माइनस का तीन बटा चार। देखो एक दो तीन हमें कितनी निकालनी है पांच, अभी तीन हो गई, इसी प्रकार निकालो चौथी संख्या, चौथी संख्या क्या हो जाएगी इसी के बीच में निकाल लेते हैं, इन दोनों बीच निकाल लो, इन दोनों बीच निकाल लो, इन दोनों के चाहे इन दोनों के, तो आप देखो आसानी है आप इसके बीच निकाल लो,
क्या हो जाएगा, माइनस का 3/4 प्लस 0, 0 कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3/4/2, तो 4 नीचे जाएगा तो किसमें हो जाएगा गुणा में, 3/4 × 2 माइनस का 3/8, तो ये आ गया आपके इसके बीच में माइनस का 3/8, 4 हो गई। अब लाइसेंस निकाल लो, इन दोनों के बीच में निकाल लो, 5 हुई, माइनस का 3 प्लस करेंगे माइनस का 9/4, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो वह ले लेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे हम लेसे पे, 1 और 4 का लेसे पे 4, 1 का भाग 4 में 4 बार, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, ये माइनस तो माइनस का 12, प्लस माइनस माइनस, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 9 से करेंगे तो 9, 12 और 9 कितने होते हैं 21, तो आ जाएगा 21/4 और नीचे आपके 2, दोनों माइनस के तो दोनों जुड़ गए। अब तो ये 4 नीचे आ जाएगा तो इसमें जाएगा गुणा में, तो माइनस का 21/4 × 2 तो आ जाएगा 21/8 आपका आंसर, ये आ जाएगा माइनस का 21/8। पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये 5 है, हमें क्या 11 का दूसरा, 0 से बड़ी, 5/6 से छोटी, हमें 4 परिमेय संख्या निकालनी है, 0 से बड़ी और 5/4 से छोटी, तो लिख दो 0 से और 5/6 से, तो इनके बीच हमें संख्या निकालनी है, तो पहले निकालेंगे 0 और 5/6 से, जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया वैसे करना है इसको, इसमें 4 निकालने से 5 थी इसमें 4 निकालनी है आपको, तो पहले हो गई 0, तो पहले निकालेंगे 0 + 5/6, 2 का भाग देंगे, 0 मतलब ही नहीं है, 5/6/2, ये 6 कितने जाएंगे नीचे जाएंगे तो गुणा हो जाएगा 5/6 × 2, तो जाएगा 5/12, पहले से क्या जाएगी आपकी 5/12। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में कैसे निकाल लेते हैं, दूसरी संख्या 0 + 5/12, 5/12 और 2 का भाग दे देंगे, 0 का जोड़ने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो आपके और डायरेक्ट 5/12 और नीचे 2, ये 12 कहाँ आ जाएंगे नीचे गुणा, भाग में तो इधर आएगी तो गुणा में, तो 12 × 2 तो ये 5/24। अब इन दोनों बीच में आ गया 5/24, अब इन दोनों बीच में से निकाल लेते हैं तीसरी, 5/12 + 6, 5/6, इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 का भाग देंगे, तो कैसे देंगे, तो इन दोनों को ले सकते हैं, 12 और 6 का ले सब क्या आएगा 12, 12 का भाग 12 में 1 बार, 1 को गुणा करेंगे 5 से, प्लस 6 का भाग 12 में 2 बार, 2 को गुणा करेंगे 5 से, 5 एकम 5, प्लस 5 × 5 × 10, तो हो जाएगा आपका 15/, नीचे आएगा 12 और इधर भी नीचे 2, इसके भी नीचे 2, 10 5 15/12 और नीचे आपके 2, ये 12 कहाँ जाएंगे, अब नीचे गुणा में 15/12 × 2, तो हो जाएगा 15/24, आपका तीसरी क्या जाएगी 15/24। इसी प्रकार आपको ए से और निकालनी है, चाहे किसी के बीच में भी निकाल लो, तो आप इसके बीच में निकालो, पहले के बीच में चौथी संख्या 0 + 5/24, इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 का भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा 0 कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा 5/24 और नीचे आ जाएंगे आपके 2, 24 भाग में तो नीचे आएंगे तो गुणा में, तो 24 × 2 तो जाएंगे 5/48, इन दोनों बीच निकालिए तो आप हो गई 5/48। इस प्रकार आपकी 4 संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, पहली हो जाएगी 5/48, दूसरी 5/24, तीसरी 5/12, चौथी 15/24, इस प्रकार आपकी 4 संख्या हो जाएगी। तीसरा क्या है, माइनस का 3/4
और 5/6 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालनी है, 5/6 के बीच। हम देखो वो काम करना, जैसे पहले तो क्वेश्चन किए इसके तीसरा तो क्या करेंगे, पहली संख्या -3/4 अगर बीच निकालनी है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 5/6 और 2 का भाग देंगे। अब देखो नीचे दोनों संख्या क्या करेंगे, हम लेस से लेंगे, 4 और 6 का लेस क्या होगा, 6 × 2 = 12, 4 × 3 = 12, तो 12 आ जाएगा इसका लेसअप है। अब नीचे इसके लिए तो 2। अब अगला 4 का भाग 12 में 3 बार गुणा करेंगे 3 से, वो माइनस का 3 तो माइनस 3 से, प्लस 6 का भाग 12 में 1 बार, फिर 2 बार, 6 × 2 = 12, 2 बार, 2 को 5 से गुणा करेंगे, 3 × 3 = 9, 2 × 5 = 10, 12 और नीचे आ गए आपके 2। देखो 9 + 9 - के और 10 + के, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो क्या बच गया 1/12 और नीचे 2। अब 12 आ गए नीचे, तो 12 नीचे आएंगे किसमें हो जाएंगे, गुणा के अंदर, तो 12 × 2 = 1/24, पहली संख्या आ गई आपकी 1/24, लिख दो 1/24। अब निकालिए आपको दूसरी संख्या, एक इसके बीच निकाल लेंगे, एक इसके बीच निकाल लो, इन दोनों के बीच में संख्या रहेगी दूसरी, -3/4 + 1/24, दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। अब दोनों का लेस है, इन दोनों लेस लो तो लेस हो जाएंगे 24, 4 का भाग 24 में 6 बार, 6 को गुणा करेंगे माइनस के 3 से, प्लस का प्लस, 24 का 24 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा कर देंगे, 6 × 3 = 18, प्लस का माइनस का, 6 × 3 = 18, तो वे माइनस का 18 प्लस का 1/24 और नीचे इसके 2 है तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, 18 में से 1 गया प्लस माइनस माइनस, तो बच गई माइनस के 17/24। अभी तो नीचे 2 है गुणा में, ये भाग में रहेगा तो गुणा में, तो 17/24 × 2, तो देंगे 17/48, माइनस के 17/48, माइनस के 17/48। अब इसी प्रकार आपको उसका तीसरे निकाल लिए संख्या, तो 1/24 इन दोनों को बीच निकाल लो, 1/24 + 5/6, दोनों को प्लस करेंगे और 2 का भाग देंगे, ले लो लेसर पे, 24 और 6 का लेसर क्या होगा 24, 24 का भाग 24 में 1 बार और 1 को 1 से गुणा करेंगे, प्लस 6 × 6 = 4 और 4 गुणा करेंगे हम 5 से, 1 को 1 से करेंगे तो 1, प्लस 5 × 20, 20 और 21, 21/24 और नीचे आपके 2, 21/24 ये 2, ये 24 गुणा में रहे तो भाग में थे, इधर तो गुणा में 21/24 × 2 = 48, तो क्या हो जाएगा 21/48, पहली संख्या आपकी क्या है 17/48, पहली संख्या 17/48, दूसरी 1/24 और तीसरी आपकी 21/48।